हेलो जी, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। रिएक्ट करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर बाबर आजम की फास्टेस्ट सेंचुरी ऑन 26 बॉल्स में 100। ओके, फास्टेस्ट 100 इन क्रिकेट, ऐसा है क्या? मतलब बाबर आजम ने 26 बॉलों में 100 कर दिए, तो इसी के ऊपर रिएक्ट करेंगे हम। देखेंगे कैसा खेला बाबर आजम ने। और मैंने सुना है, कुछ लोगों ने बताया कि ऐसा बोलते हैं मतलब लोग कि बाबर आजम T20 फॉर्मेट में नहीं खेल सकते। बहुत से लोग खेलते हैं मतलब जैसा कि आप बोलें कि वो स्टेबल रहकर खेलते हैं कि हाँ मुझे ना इससे आगे जाना है ना इससे पीछे जाना है, कुछ इस तरह का गेम के इल्ज़ाम उन पर हैं। लेकिन 26 में सेंचुरी, भाई वाह वाह वाह, क्या बात है। पहले देखते हैं, बाद में बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। बहुत उम्दा अंदाज में बैटिंग की, और अब भी अपना बल्ला कैरी कर रहे हैं इस वक्त बड़े खूबसूरत अंदाज में। 7.5 कौन से आफ्टी थी? फुल टॉस बाउंड्री के पार पहुंचाया। इसके खिलाफ कौन से मैचेस हो रहे थे? 209 का टारगेट, आधे तो इसने बाबर आजम ने इन्होंने बना दिए होंगे। 91 एक खिलाड़ी आउट हुआ, रन चाहिए 35 बॉल में, 111 चाहिए। बाबर आजम बना जाएंगे पूरे। वाह इतनी गंदी गेंद, और ये 6 दैट इज द मैक्सिमम ब्यूटी। 28 में ऑन साइड पे, ऑन साइड भी खेला, मतलब मैंने 30 शॉट्स देखे थे उसमें सब ऑफ साइड के। ऑन साइड पे 4 रन के लिए जितनी पिटाई बाबर आजम की बॉलिंग में हुई थी उन्होंने बैटिंग में कोई कसर नहीं छोड़ी, हिसाब बराबर कर दिया। अच्छा बैटिंग बॉलिंग भी की होगी इसमें, वाकई हिसाब बराबर करने की क्रिकेट है। जिस तरीके से आप बॉलिंग करवाएंगे 21 में 64 बैटिंग में भी उतनी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उतना मौका मिलेगा। और मैच काफी हद तक बैलेंस साइड पे कहना चाहिए है। लेंथ बॉल उठा दिया इसको लॉन्ग लेग की जाने, फाइन लेग इन 4-6 क्लियर करने में कामयाब। बार तेज गेंद की थी यहाँ पर और 36 छक्के मुकम्मल हो चुके हैं। तो फिर अगर अब तक अगर हम देखते हैं कि तकरीबन 16 ओवर का खेल हुआ है यहाँ पर, तो 36 छक्के अगर लगे होंगे तो कितने ओवर हो गए? 6 ओवर तो सिर्फ छक्के हो गए। 6 ओवर, हाँ वाकई में 36 छक्के। इस बार बड़ा भरपूर स्ट्रोक नदीम अब्बास की, इस गेंद को ऑन साइड की जानिब खेला बाबर आजम ने, गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचाया। एक और शानदार चौका बाबर आजम, बाबर आजम यार ऐसे खेले सरकार और शाइकी ने क्रिकेट ने स्क्रीन पे आ गए को एंजॉय किया होगा जब कैमरा आता है उनकी खुशी काबिले दीद। व्हाट अ शॉट मैन, कितने करीब है ये भी जानना होगा हमें। यू आर फहीम अब्बास की, इस गेंद को ऑन साइड की जानिब खेला, शानदार छक्का बाबर आजम का। बाबर आजम के कितने रन हो चुके हैं जरा ये भी हम जानने की कोशिश करते हैं। दिखाओ क्या सेंचुरी स्कोर करेंगे आज, क्योंकि शुएब मलिक का और 93 सात चौके, 24 डॉट्स सिर्फ दो हैं, 2 डॉट्स 7 फोर्स एंड रन उनके बाउंड्रीज में आए हैं। ऑफसाइड पे 6 रन के लिए 99।
मलिक ने अगर बाबर आजम के एक ओवर में छह छक्के लगाए थे, उन्होंने हिसाब बराबर किया। 99 नॉट आउट ऑन 25 बॉल्स विद 11 सिक्सेस एंड 7 सिक्सेस, 11 छक्क 66 रन, जिसके साथ चौका। पाकिस्तान के सीनियर सियासतदान भी यहां पर मौजूद है जो इस कॉज के लिए सारी रन बाउंड्रीज के पाकिस्तान के सीनियर सियासतदान भी यहां पर मौजूद है जो इस कॉज के लिए खासे लोग यहां आए। इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद और सेंचुरी के करीब 99 पे एक बड़ा स्ट्रोक, लेकिन लकी रह गए, बच गए। शानदार सेंचुरी, मुझे लगा कैच होगी क्योंकि इतना लंबा शॉट था नहीं। नॉक भी हो सकती है जाल, सेंचुरी हुई। जिस तरीके से बाबर आजम ने इस 100 रन मुकम्मल किए, 26 बॉलों पे 100 बनाए, सिर्फ दो डॉट डिलीवरीज हैं, सात चौके, बहुत उम्दा अंदाज में बैटिंग की। रब्बी अपना बल्ला कैरी कर रहे हैं इस वक्त बड़े खूबसूरत अंदाज में, 7.5 जहां पर बॉल फील्डर के पास। ऑल राइट, तो ये बाबर आजम की हमने 26 बॉल्स देखी। 26 बॉल्स में मैंने देखा कि डॉट्स बॉल जो थी दो थी, मतलब बंदे ने 24 बॉल, मानिए आप जिससे हिट किया है 24 बॉल से हिट किया होगा, दो या तीन बॉल ही थी, मैंने लास्ट के में नहीं देखा मैंने स्कोर बोर्ड पर, लेकिन दो ही थी शायद। तो ओवरऑल आप देख सकते हैं कि 24 बॉल से हिट कर कर सात आठ चौके और 11 छक्के, तो मोस्टली रन जो हैं बाउंड्रीज। एंड बहुत से लोग ये बोल रहे हैं और या फिर बोलते थे कि इस फॉर्मेट के हैं नहीं, T20 फॉर्मेट का बंदा नहीं है, इसको मतलब स्लो खेलता है, ये मैच हरवा देगा वगैरह वगैरह। तो उनको इस मैच को देखना चाहिए, आई थिंक ये इनिंग को देखना चाहिए बाबर आजम की, कि 26 बॉल में उन्होंने हिट किया है, सेंचुरी तक पहुँचे हैं, सिंगल लिया था शायद लास्ट में। तो वो जो सेंचुरी है उन लोगों के मुंह पर एक मुंह बंद करने के लिए एक टेप है कि ये लगा लो, मैंने 26 में मारी है, यहाँ सेंचुरी मारी है मैंने 26 में, तो कौन कहता है कि नहीं खेल सकता T20 फॉर्मेट में, तो वो खेल सकते हैं, उन्होंने बता दिया है, दिखा दिया है। मतलब यार 26 बॉल बहुत कम हो गई 100 मारने के लिए, मुझे अभी भी यकीन नहीं, लेकिन कर लिया है मैंने यकीन। ओवरऑल इस वीडियो को देखकर मज़ा आया, इनिंग को देखकर मज़ा आया, ये शायद लोकल के मैचेस थे, लेकिन कुछ भी हो बॉल तो फेंक रही है, पिच भी है, चाहे थोड़ा सा 19-20 या फिर 18-20 का फ़र्क होता है कि कहीं पिचेस 18 हैं, कहीं 20 हैं, कहीं हार्ड हैं, कहीं सॉफ्ट हैं आपके लिए, आपकी इनिंग खेलने के लिए जिस हिसाब से आप खेलते हो, तो वो बहुत कम मैटर करती है जब आपका बल्ला चलता है, तो क्योंकि आप उस चीज़ को समझोगे जहाँ पर खेल रहे हो, तभी तो आप वहाँ से आप ऐसे स्कोर्स क्रिएट कर पाओगे। 26 में 100 रन, लाजवाब इनिंग थी। कमेंट सेक्शन में बताइए आपको कैसा लगा ये वीडियो, अगर पसंद आया तो लाइक करके शेयर ज़रूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ।